मेरी मूवी है उसमें मुझे एक एक्टर चाहिए, एक हीरो। तो ये हीरो को सेलेक्ट करने के लिए मैं कुछ टास्क दूंगा तुम लोगों को, वो तुम लोगों को यहाँ परफॉर्म करने होंगे, और जो सबसे अच्छी एक्टिंग करेगा वो बनेगा मेरी मूवी का हीरो, हीरो, हीरो। तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले तुम दोनों बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन दोगे मुझे, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद असद मोहम्मद सलीम है। मुझे भी एक्टिंग का बड़ा शौक है और मेरे भी कुछ ख्वाब हैं कि मैं भी शाहरुख खान की तरह यूं अपनी बाहें फैलाऊं और एक्टिंग करूं। लेकिन बस एक मसला है, और मसला ये है कि मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। कैमरा बंद कर दे। डायरेक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुस्समी है, मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन मसले हैं बहुत सारे, लेकिन वो आपको एक्टिंग के दौरान ही पता चलेंगे डायरेक्टर साहब। तो पहला टास्क ये है, ये जो मोहम्मद असद मोहम्मद सलीम है वो बनेगा लड़की का बाप, और जो अब्दुस्समी है वो जाएगा उससे मांगने रिश्ता। तो देखते हैं कौन कैसी एक्टिंग करता है। तो चलो। कट कट। रिश्ता मांगने के लिए बोला था, भीख मांगने के लिए नहीं बोला था, उसके कदमों पे नहीं गिरना, उससे प्यार से हाथ मांगना है। क्या कर रहे हो तुम? अब असद तुम करो और तुम समी उसके बाप बनो। सीन टू, एक्शन। कट कट। यार ये क्या कर रहे हो तुम? किस तरीके से मूवी में काम करोगे बेटा तुम? तुम तो शर्मा रहे हो कैमरे को देख के यार। नहीं 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 नहीं, सीन को थोड़ा चेंज करेंगे। बेटी रिश्ता ये वाला हट गया, अब कुछ और सीन लाएंगे। तो दूसरा सीन ये है कि एक बंदा खड़ा होगा, दूसरा उसके पास आके ये डायलॉग कहेगा, उसको ये डायलॉग इस अंदाज में बोलना है कि देखने वालों की आंखों में से पानी जारी हो जाए। तो डायलॉग ये है, वही तावीज़ मुझे सब याद आया, तुम दोनों ईश्वर के भेजे हुए दो सितारे हो। ये कहते हुए तुम्हारी माँ ने वो तावीज़ तुम दोनों के गले पर डाल दिया। एक्शन। वही तावीज़ मुझे सब याद आया, तुम दोनों ईश्वर के भेजे हुए दो तावीज़ हो। भाई आपने तो कुछ डिफरेंट कर दिया, आपने कुछ अलग कर दिया, डायरेक्टर साहब ने नहीं कहा था। यार मैंने तुम्हें कहा था, पूरा डायलॉग सही से बोलना, तुमने डायलॉग ही चेंज कर दिया, तुमने बंदे को ही तावीज़ बना दिया। वापस करेंगे, वापस अच्छा कर रहे थे, तुम भी अच्छा करते, लेकिन अब वापस करेंगे। स्टार्ट। वही तावीज मुझे सब याद आया, आ रहे डायरेक्टर साहब, आ रहे। वही तावीज मुझे सब याद आया। अरे असद भाई, बीच में अटकना नहीं होता, ये बस मजा नहीं आएगा ना, ठीक है ना असद भाई, अटकना नहीं होता, सीधा सीधा बोलना होता है। किसको लेके आ गए भाई तुम, किसको लेके आ गए? एक को याद नहीं हो रहा, एक को शर्म आ रही है, एक गिर रहा है, और भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या याद आ रहा है? याद कर लो एक बार, पढ़ लो थोड़ा सा, फिर वीडियो शूट करते हैं ना भाई। वीडियो के बीच में याद आ रहे। एक मिनट डायरेक्टर साहब, वापस करेंगे, इस बार करेक्टर रिप्लेस होंगे, जो समी है वो डायलॉग बोलेंगे और जो असद है वो डायलॉग सुनेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। मुझे सब याद आया, तुम्हारे माँ के पैदा होता ही तुम्हारे बेटे ने उसके गले से तावीज निकाल लिया। नहीं भाई, मुझे डायलॉग में कुछ गड़बड़ी तो लग रही है। अबे हाँ, ऐसा नहीं था ना कुछ? याद करो आप, थोड़ा सोचो। फिर से डायरेक्टर साहब, फिर से। नहीं 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 नहीं, ये काबिले बर्दाश्त चीज ही नहीं है। नहीं नहीं, तुमने बच्चों का नहीं जन्म माँ का करवा दिया, और तावीज माँ ने नहीं बच्चे ने निकाल लिए। नहीं 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 नहीं, अब मुझे नहीं लग रहा कि तुम दोनों एक्टर बन पाओगे। तुम दोनों का फ्यूचर में यहाँ नहीं, यहाँ देख रहा हूँ। चलो एक और तुम्हें मौका देते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट। वही तावीज, तुम्हारे बेटे का पैदा होते ही ईश्वर ने कहा तुम दोनों सितारे हो। भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बोले जा रहे कब से यार? अबे हाँ, ऐसा भी नहीं था ना। हाँ तो कुछ याद करके आया यार डायरेक्टर साहब, इससे अच्छा तो मुझे याद है। ईश्वर ने सितारे बोल दिया, माँ का जन्म होते ही ईश्वर ने कहा कि तुम दोनों सितारे हो। सही है। अब मुझे लग रहा है ये जो समी है उन्होंने बहुत एक्टिंग कर ली, मैं देख लिया, सब वाजे हो गया, जो तुम्हारी तीन खूबियाँ
शुरू में तुमने बताई थी वो मैंने देख ली। तुम स्टार बन गए, तुम स्टार बन गए। अब जो ये असद है उसे मैं एक मौका दूंगा, सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका। अब असद तुम करके दिखाओ, अगर तुमने सही किया तो तुम स्टार हो, अगर नहीं किया तो यहाँ से दफा हो जाओ दोनों। अब करते हैं आखिरी वाली एक्टिंग, टेक 29 स्टार्ट। एक मिनट, याद आ रहा है, ईश्वर का जन्म होते ही माँ ने दोनों बेटों को तावीज से बांध दिया और ईश्वर के साथ कल्ले में बैठ गई।